अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एडवोकेट इज हियर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, एफिडेविट बाय एन एडवोकेट। एडवोकेट अगर कोई एफिडेविट देता है तो लीगली तौर पर उसकी क्या वर्थ है? देखिए, एफिडेविट याद रखे वो शख्स देता है जो हल्फिया बयान देता है जो कि उसके जाती फैक्ट पर मौजूद होता है, एक्वेंटेंस पर होता है, वो उसको अच्छी तरीके से दाती तौर पर उसको जानता है। उस फैक्ट के बारे में जो हल्फिया बयान होता है उसको कहा जाता है एफिडेविट। एफिडेविट होता है लॉ पर नहीं होता, फैक्ट्स पर होता है। याद रखें, फैक्ट्स के बारे में जो इंसान का जाती नॉलेज होता है, फैक्ट्स के बारे में जो इंसान जाती तौर पर जानता है, उस पर जो हल्फिया बयान देता है उसको एफिडेविट कहा जाता है। ला के बारे में नहीं होता, जाती नॉलेज के बारे में होता, किसी फैक्ट के बारे में। रूल है 1987 MLD पेज 3066। अगर कोई मैटर, अगर कोई मामला मैटर ऑफ द फैक्ट्स है जो सिर्फ वकील के नॉलेज में है तो वो वकील वो एफिडेविट दे सकता है क्योंकि वो नॉलेज सिर्फ वकील को है। मगर लाहौर हाई कोर्ट ने PLD 2004 लाहौर पेज 21 में यह करार दिया है कि वकील की यह अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो काउंसल काउंसल रहे और अपनी पार्टी की तरफ से एफिडेविट ना दे। वो किरदार एज ए काउंसल का किरदार अदा करे, केस में पार्टी ना बने। वकील उन हालात से मुतालिक एफिडेविट नहीं दे सकता जो क्लाइंट से रिलेट हो, यानी कोई केस चल रहा है उसमें कोई फैक्ट्स बताने हैं तो चूंकि वकील पार्टी नहीं है इसलिए उसका जाती नॉलेज नहीं है, वो उस पर एफिडेविट नहीं दे सकता। वकील पार्टी नहीं होता, याद रखें, वकील एक काउंसल होता है। अगर वकील ऐसा करता है तो यह इसकी ग्रास नेग्लिजेंसी होगी क्योंकि वकील एक वक्त में एक काम कर सकता है, वकील एक वक्त में दो स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकता। एक तरफ वकील बने, दूसरी तरफ वो पार्टी बने, ये नहीं कर सकता। वकील या तो वकील बने या फिर कोर्ट उतार के पार्टी बने, दो काम अपनी पार्टी की तरफ से वो एफिडेविट नहीं दे सकता, या वकील बने या फिर क्लाइंट बने। अब अगर हम देखते हैं आर्डर 3 है, रूल 1 है और इसके अलावा सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 15 है CPC का, और रूलिंग भी है 2020 PLD 74 सिंध DB की है, डिविजनल बेंच की है। उसमें यह करार दिया गया है कि प्लीडर इज ओनली इंटाइटल्ड टू अपेयर फॉर एन अदर एंड नॉट फॉर हिमसेल्फ एज अंडर द कोड ऑफ द इथिक्स। एन एडवोकेट इज यूजुअली नॉट सपोज्ड टू फाइल एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन और अदरवाइज। रूलिंग 2017 है, CLC पेज 1736 है, 2017 CLC पेज 1736 है, जिसमें यह कहा गया वकील वो चीज है जो अपनी तरफ से अपेयर नहीं होता बल्कि अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में अपेयर होता है और वो एफिडेविट नहीं दे सकता किसी भी केस में, किसी भी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के फेवर में। यह था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज़।